बचाएगी। तो उत्तम सिंह की बीबी है और यह उसकी औलाद है, तेरा एक बेटा और तेरे पति को तो मैं मिटा के छोड़ चुका हूँ, और बचा है तेरा ये औलाद, तो कल महाराज के राजभवन आ जाना, इसके भी मौत का नजारा देख लेना। और अब है सुबह हो गया, याद रख लो, यहाँ से निकलना चालू कर दो। बोल, तू मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। तेरे बेटे को छोड़ दो, और सबसे पहले मेरे बेटे की गलती क्या है? इस चपोले की गलती सुनना चाहेगी? हाँ। शराब दादा ने रखो की इज्जत पे हाथ डाला है, और इज्जत पे हाथ डालने वाले को रखो चिंता नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे को बचा लो भगवान, वरना अगर मेरे बच्चे को कुछ होगा तो मैं यही अपनी सर पर रखकर जान दे दूंगी। कहाँ जाऊं मालिक मैं, कहाँ जाऊं? और मेरी बिनती सुनो तो जानो, मेरी बिगड़ी बनाओ तो मानो, मानो सेनापति उत्तम सिंह की दोनों को फांसी दी जाएगी। वक्त करीब आ गया है, हम सारी तैयारियां करते हैं ताकि दोषियों को राज्य करता है। महाराज भरत सिंह, अब उन दोनों के साथ साथ तुझे भी मरना पड़ेगा। राघव सिंह, हाँ राघव सिंह, पहचान पहचान राघव सिंह का असली चेहरा। चाहते तो अपने महाराज की ऊपर इतना बड़ा जुर्म और अत्याचार तुझे सर में नहीं आती? हरामजादे, जब एक सोने के मेडल के खातिर मैंने सेनानायक उत्तम सिंह की परिवार को बर्बाद कर दिया, तो ये राज को पाने के लिए तुझे मारने में कितनी शमे है रे? ये सब तेरी चाल है सेनापति, और देखना चाहेगा तो सेनानायक उत्तम सिंह की एक औलाद अभी मेरे पास है, और आज उसके भी मौत का नजारा मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या कहा? दरबारिया लेके आ। पुकारे मेरा प्यार प्रिया, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
धराधर सिंह देख ले अपने देश भक्त की औलाद को देख। महाराज मुझे बचा लो महाराज। क्योंकि आसाम महाराज मेरे बच्चे को बचा लो महाराज, वरना ये पापी मेरे बेटे को मार डालेगा महाराज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ महाराज, मैं तुम्हारे सामने अपनी झोली भगवान किस महाराज के सामने अपने आंसू फैला के भीख मांग रही है। वो महाराज जो कि मौत के मुंह में खुद ही खड़ा है। महाराज भरत सिंह के मरते ही तुम लोग एक एक करके यहाँ से निकलना चालू कर देना, और नहीं महाराज भरत सिंह को मार डाला और यहाँ का महाराज राघव सिंह बन गया तो एक तरफ से नसबंदी का आदेश करा दूंगा, एक भी बच के नहीं जाने पाओगे, नहीं तो 7 बजने के पहले निकल जाओ। और महाराज मौत की नींद सोने जा रहे हैं। नंबर 1 बेटा और 2 नहीं महापति राघव हरम का दोष तूने क्या समझा कि मैं मर गया? तू जेल से कैसे निकले है उत्तम सिंह? महामंत्री राघव संग मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। हराम दादो तूने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है और आज आज मैं तेरी जिंदगी को छीनूंगा। कीड़े पड़े कमीने कुत्ते कहेगा मेरे बेटे को छोड़। राम बलि इसको बोल ये दूरी चले नहीं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। राम बलि तुझे क्या कर रहा है? राम बलि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अरे तू तो हमारा अच्छा सिपाही था रे। बहुत अच्छा सिपाही, वफादार सिपाही। अबे साले वफादार नहीं साले गद्दार है तू। गाली दिए साले मुंह में घुसेर दूंगा। वाह बात तुझे मैं क्या समझा था और तूने क्या निकला साले? कि किसी टेबल में चाय किसी टेबल में जूस लगता है, किसी टेबल में चाय किसी टेबल में जूस लगता है। आजकल हर काम के लिए घूस लगता है। दरबारिया अपने पास पैसा चला दे। अरे ताली बजाने वालों तुमने क्या सोचा कि राघव का पन्ना पलट गया है? अरे राघव अपनी मौत को मार के पैदा हुआ है, देखो कि इनकी मौत कैसे होती है। चल बे राघव सिंह तू मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे पति और महाराज मेरे बच्चे को छोड़ दे। राघव सिंह ठकुराइन पोष डाल अपनी मांग के सिंदूर को, तोड़ दे आज के बाद अपने हाथ की चूड़ियों को। किस वजह राघव राघो आज तुझे विधवा बनाने जा रहा है। नहीं, मत करना। आखिरी वक्त है, आखिरी शाम है, आखिरी वक्त है। के हर शाम आखिर